साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती आने वाली है 2024 में। ये बम्पर पदों पर अर्थात 33,000 पदों पर भर्ती आएंगी। लाखों सवाल आ रहे हैं, हजारों सवाल आ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, शिक्षक भर्ती राजपत्र बनकर तैयार हो गया है, मैं इस पर बात करूँगा। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन क्या इस सप्ताह आ सकता है, मैं इस पर भी बात करूंगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि ये जो पेपर कटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, दैनिक भास्कर की पेपर कटिंग है, 4 मार्च की है, अर्थात आज की ही है। देख पा रहे होंगे बड़ा बदलाव, इस वाले पॉइंट को आप देखिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार हो चुकी है, अर्थात शिक्षक भर्ती के पूर्व जो है छत्तीसगढ़ में राजपत्र प्रकाशित होता है और राजपत्र में संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी, जो कि लगभग ये नियमावली संशोधन हो चुका है, राजपत्र तैयार हो चुका है। आज साथियों देख सकते हो, यहाँ पहले इसको देखिए, प्राइमरी टीचर भर्ती में इस बार बीएड वाले नहीं होंगे पात्र, अर्थात जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जो आ रही है प्रदेश में, उसमें बीएड वालों को अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जी हाँ, बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो अभी जो राजपत्र बनेगी उसमें प्राइमरी वालों को, अर्थात जो बीएड किए हुए हैं उसमें प्राइमरी वालों के लिए अपात्र है, अर्थात वो प्राइमरी में पात्र नहीं है। केवल डीएलएड और डीएड वाले साथी ही प्राइमरी के लिए पात्र होंगे, ये राजपत्र में स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख होगा। दूसरी बात ये है कि जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए साथी हैं उनके साथ क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय हुआ वो आप सभी जान रहे हैं रिव्यू पिटीशन के संबंध में। लेकिन ये जो है, अब जब राजपत्र आएगा तभी स्पष्ट हो पाएंगी चीजें कि एनआईओएस वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट ऑलरेडी हमारे है, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार तय करेंगी वास्तविक में ये लागू होगी कि नहीं होगी। और बात करूं मैं यहां पर कि कब तक जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, राजपत्र कब तक जारी हो सकता है, तो राजपत्र तो बनकर तैयार हो चुका है और इसी सप्ताह प्राप्त, देखो जो जानकारी हमको मिल रही है उसके हिसाब से इसी सप्ताह आपका राजपत्र भी प्रकाशित हो सकता है। देर शाम रात तक प्रकाशित होता है, तो आज भी असीमित संभावना कि भर्ती का नोटिफिकेशन राजपत्र जो है आ सकता है। सोमवार से शुक्रवार के बीच में आपके कभी भी नोटिफिकेशन और राजपत्र देखने को मिलेगा। तो ये भी मैं बता दूं, सर्वप्रथम राजपत्र आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ही नोटिफिकेशन आती है, क्योंकि राजपत्र को जब आप पढ़ोगे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि इन पदों के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद जब प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है किसी भी भर्ती के लिए, तब चीजें नियम के अनुसार फिर चलता है। तो राजपत्र पहले आएंगी, उसके बाद में आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। देख सकते हो यहाँ एक और बड़ी बात निकल रही है, वो कॉमर्स वाले साथी है। तो 6वीं से 8वीं तक के लिए इस बार कॉमर्स के भी जो है टीचर की भर्ती की जाएंगी, जैसा कि अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है ना, कॉमर्स वाले साथियों को भी शिक्षक वर्ग 2 के लिए पात्र माना जाता है। तो वही स्थिति इस बार भी होने वाली है, अर्थात कॉमर्स वाले साथियों को मौका मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सीजी टेट के आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है, प्राइमरी टीचर हो या अपर प्राइमरी हो, सीजी टेट देकर ही आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, तो ये भी प्रक्रिया चल रही है। साथियों बात करूं हम, अगर पदों की मैं बात करूं यहां पर कि कितने कितने पद आ रहे हैं, तो आप जान रहे हैं सहायक शिक्षक में 19,000 पद हैं, असिस्टेंट टीचर लेब में 3,200 है, शिक्षक वर्ग 2 में 6,078 है, शिक्षक कृषि में 168 है, व्यायाम शिक्षक में आपके 108 है, ग्रंथपाल में 1844 है, व्याख्याता में 2,524 पद है। इस तरह से टोटल 33,059 पदों पर प्रेस विज्ञप्ति जो है इसी सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है, ये बड़ी अपडेट है। फिलहाल सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आपका राजपत्र बनकर तैयार हो चुका है, कभी भी हो सकता है जारी। दूसरी बात, एनआईओएस वालों का अभी हम नहीं कहेंगे, ठीक है, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है जब तक राजपत्र नहीं आ जाता, ठीक है साथियों। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए तीसरी बात ये है कि अभी जो कहना चाहिए बीएड है उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, इसका सुनवाई भी कंप्लीट हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कब से लेना है, कौन से तारीख से मान्य होगा, उस चीजों के लिए सुनवाई हो रही थी, तो उनका भी जो है अब फैसला आने ही वाला है, क्योंकि उनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। चलिए इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगा, इंतजार कीजिए देर रात शाम कभी भी, चाहे सोमवार से शुक्रवार तक कभी भी आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। जय हिंद।